फैक्ट न्यूज़ वेख रहे हो तुसी, मैं हाँ विशाल कटारिया। थाना भिखीवेंट की पुलिस ने 25 लाख रुपए की फिरौती मंगने वाले एक व्यक्ति को काबू किया है। मिली जानकारी अनुसार उस व्यक्ति की पहचान हीरा सिंह के रूप में हुई है। इस व्यक्ति ने 25 लाख रुपए की फिरौती भिखीवेंट के वासी पासों मंगी सी। मिली जानकारी अनुसार इस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति के पासों 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, उसके एक रिश्तेदार ने इस फिरौती मंगने वाले व्यक्ति को अपने ही रिश्तेदार की जायदाद की जानकारी दी थी। इस संबंधी पुलिस अधिकारियों ने की दसिया, आप सुनते हैं। ये नाल दा ही एक होर मामला कि एक गौरव हैगा सी, गौरव पुत्र किशन कन्हैया वासी भिखीवेंड, ये कोलों भी कुछ अणपछाते व्यक्तियों ने 25 लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी। इनू भी असी टैक्निकल तौर पर डिटेक्ट करके तो एक बंदे गिरफ्तार किया, जो इस वेले जेल दे विच सी, हीरा सिंह पुत्र सतनाम सिंह वासी मरीद के थाना घणीए के बांगर हाल चितौड़गढ़ घणीए के बांगर जिला बटाला। इनू असी टैक्निकली तौर पर ट्रेस करके जेल दे विचों प्रोडक्शन फ्रंट ते लैके आए हैं। तो ये को पुछगिछ जारी है। ये साथी साथ दिता सी गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदर पुत्र जसवीर सिंह वासी चक सिकंदर, यदि गिरफ्तारी अजे बाकी है। ये हीरे का साथी है, पर असल गल जी वो थोड़े ध्यान च लियानी जरूरी है कि जेड़ा मदई है इसका ही साला जो मलेशिया बैठा, इन्हां बंदिआं नूं इहदे फोन नंबर ते इहदे बारे बायोडाटा दे के ते इहदे कोल फरौती दी डिमांड करा रहा सी। उहदा नां है चंदनपुरी उर्फ बिल्ला पुत्र विनोद कुमार हाल वासी मलेशिया, इहदी गिरफ्तारी भी बाकी आ। इहनूं डंगिआई नाल तफ्तीश करके वाच के ते इहनूं देखिआ जाएगा कि होर इहनां ने किहदे किहदे कोलों होर फरौती मंगी है जां किसे कोल पैसे लए आ जां नहीं है, इहदे बारे बहुत तफ्तीश दे अगले पार्ट विच। रिश्तेदारी दे विच फरौती चल रही ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਜੀ। नहीं, ए को वाइपन नहीं बराबद हो बंदा जेड़ा सी जेल दे विचों रिमांड तो लैके आए। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਓ, ਐਵੇਂ ਯਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।